सीतापुर मोहल्ला तरीनपुर मेला मैदान के पास एक मकान था जो कि भाजपा के कार्यकर्ता युवा नेता अनुज त्रिवेदी मकान मालिक, उनके पिताजी सदाशिव त्रिवेदी अधिवक्ता हैं और वह बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी रह चुके हैं। उन पर प्रशासन का आरोप अवैध तरीके से निर्माण कराया गया है, लेकिन परिजनों का कहना है कि अवैध तरीके से निर्माण नहीं कराया गया है। सारे कागज उपस्थित हैं, लेकिन अवैध तरीके से गिरा जरूर दिया गया है। पूरा प्रशासन मना रहे, नेता विधायक मंत्री सब मौन रहे, किसी ने कोई कार्यवाही नहीं की। बाबा का बुलडोजर कहर गिरता रहा है, लेकिन परिजनों की किसी भी अधिकारी ने नहीं सुनी। ना तो कोई कागज देखा गया और ना ही अग्रिम सूचना दी गई और मकान को गिरा दिया गया। इस संबंध में 6 तारीख को दिन शनिवार अधिवक्ता समाज की मीटिंग हुई, उसके बाद लालबाग चौराहे को जाम किया गया। प्रशासन से पूछा गया कि क्यों गिराया गया है मकान, कारण बताइए, तो प्रशासन अभी तक उसका संतुष्टजनक कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा है। लोग यही कहते हैं, उच्च अधिकारियों के आदेश से गिराया गया, लेकिन कौन से उच्च अधिकारी का आदेश था, वह आदेश भी गिराने वाले कर्मचारी नहीं दिखा पा रहे हैं। फिर बताया गया कि 2 महीने पहले नोटिस दी गई, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिस की रिसीविंग या फोटो अधिकारी नहीं दिखा पाए। किसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और अधिवक्ता समाज पर बाबा बुलडोजर कहर गिरा है? अधिवक्ता समाज के एक सूत्र मांग है कि अधिवक्ता सदाशिव त्रिवेदी का मकान जो प्रशासन द्वारा गिराया गया है, उसका मुआवजा भी भरपाई की जाए और अधिकारियों पर कार्रवाई हो। ऐसे नहीं होता है तो अधिवक्ता समाज एक बड़ा आंदोलन कर सकता है। हमारा मकान गिरा है, हमारे पिताजी सदाशिव त्रिवेदी एडवोकेट। पहली चीज, हमारा हमको लोगों को कोई नोटिस नहीं दी गई है, कोई जानकारी नहीं दी गई। बस सीधे आए, पहले कहा सफाई करना है, सफाई करना है, सफाई करने के बाद में मकान गिराने लगे। हमने कहा कागज दिखाइए किसके आदेश से गिरा, कोई कागज दिखाने को तैयार नहीं था। पूरा मकान तहस कर दिया है और हमारे पास मकान के सारे कागज हैं, जितने उनके पास सवाल है उससे ज़्यादा कागज हम दिखा सकते हैं। हर चीज़ का नोटूज है और बैनामा है, रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, सब कुछ है। और सबसे बड़ी चीज, प्रधानमंत्री आवास पे मुझे अलर्ट हुआ था उसी पर, लेकिन ये लोग सुनने को कोई तैयार नहीं है, पूरा मकान गिरा दिया है। आज उसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया? हाँ, उसी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। मेरे पिताजी बार एसोसिएशन में पदाधिकारी भी रहे हैं, तो उसी चक्कर में यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ है। वकीलों ने कहा भी है कि हड़ताल रहेगी जब तक 3 कार्रवाई नहीं हो जाती, 3 दिन पर हमारा जब तक कोई निर्णय नहीं होता है। विनीत सिंह की रिपोर्ट।